हाथ पूछता, आपसे भी हाथ पूछता, सर कितना पैसा बनता है यहाँ पर कोई आदमी जो वेटर की जॉब करता है? सर आपके यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं आप दोनों के अलावा, और कौन कौन है हॉल पे पूरे रेस्टोरेंट में? टोटल हमारे यहाँ पे 7 लोग काम करते हैं, एक हमारी उनकी इंटरव्यू जो एक फैमिली है जिसने एक नहीं 7 लोगों को यहाँ पर बुला लिया है, और वो खुद कह रही है कि लग्जमबर्ग में बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रेंट महंगा है, और एवरेज जो सैलरी 2500 यूरो मिलती है जो बच्चे किचन हेल्पर में काम करना जानते हैं, और इनके 7 रेस्टोरेंट, और उन्होंने ये भी कहा है बड़े क्लियरली अगर आप थोड़ा सा ओवरटाइम करोगे तो आपको 3500 यूरो मतलब कि 3.5 लाख रुपया आपकी महीने की इनकम होगी अगर आप किचन हेल्पर का यहाँ पर काम करोगे, और उन्होंने ये भी कहा कि टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है, इसको डिस्कस किया। स्टडी वीज़ा कितना आसान है एग्जाम्बर में, पर उन्होंने ये भी कहा है बहुत सारा झूठ एग्जाम्बर के बारे में, प्री बाय की जॉब मिलती कि नहीं मिलती, कंस्ट्रक्शन की जॉब मिलती, कौन 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 स्किल की जॉब मिलती है, इस पर सच बोला है। पर जो आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा ये एग्जाम्बर एग्जाम्बर मेरी जान, क्या पता आप लोग में ऑस्ट्रेलिया फ्री ऑफ कॉस्ट जाओगे, एक कमेंट आपको फ्री एंट्री देगा मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया। वेलकम करते हैं ग्रीमा के बच्चों को, देखते हैं उनकी जर्नी एग्जाम्बर है पिछले 20 साल से कैसी है। मैडम बताएं आपका नाम क्या है, आप कहां से हो? मेरा नाम सीता खत्री, मैं नेपाल से हूं। आप नेपाल से हो, आप लग्जमबर्ग कब आए थे? 2004 में आए। 2004 में आए, आप लग्जमबर्ग में नियरली 20 साल हो गए। करीब 20 साल हो गए। 20 साल पहले आप लग्जमबर्ग कैसे आए थे? मेरा पापा एरिस्टन एप्रेस में कुक वीजा में आया। ओके। उसके साथ में मैं मम्मी और मेरा भाई बहनी के साथ आया। आपका भाई कहाँ है? इधर है लग्जमबर्ग में, सब फैमिली इधर है। तो भाई क्या जॉब करता है आपका? भाई तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में बाहर काम करते हैं। और मम्मी घर पर? मम्मी घर में, कभी जॉब नहीं किया। पापा इसी में, पापा इधर रेस्टोरेंट में कुक सेफ है। ओके। अपने बताओ पब्लिक को पहले आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है, और इसमें सबसे स्पेशल चीज मैंने आपको बफे खाया, बफे बहुत टेस्टी था। इधर लंच पे ज्यादा बफे जाता है। कितने का रेट क्या है, कितने यूरो का? 16 यूरो 50 सेंट का है। जो जितना मर्जी खाओ ना, आइसक्रीम भी मिलती है ना? आइसक्रीम भी जी। मैंने आइसक्रीम खाई बड़ी टेस्टी, ऐसे लगा जैसे इंडिया में बैठकर आइसक्रीम खाई होती है। तो ये 16 यूरो में आपके रेस्टोरेंट ठीक है। तो आप यहाँ पर 20 साल पहले अपने पापा के साथ, आपके पापा कैसे आए थे यहाँ पर? पापा भी एक अंकल ने कुक वीजा में अप्लाई किया। ओके, फूड वीजा, अच्छा, वर्क वीजा में अप्लाई किया। आपके अंकल भी यहीं पर है वो जिसने अप्लाई किया था? मेरा एक अंकल भी इधर है, और जो अंकल ने लिया वो रेस्टोरेंट अंकल का था, अभी हम लोग ले लिया ये रेस्टोरेंट। आप लोग ने 8 महीने हो गया आपने ले लिया रेस्टोरेंट में। मेरी बात आपसे ये है कि कितनी एवरेज आप रेस्टोरेंट में, और कौन कौन काम करता है आपके साथ, मतलब कि मैंने किचन में शेफ देखा था, दूरी शेफ कौन कौन है बताएं, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं और हम बाहर 3 लोग हैं हॉल में। 3 लोग, 2 लड़की और 1 लड़का है ना? जी हम दोनों लड़के हैं। और सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संजू कार्की है। संदीप आप कहाँ से? संजू है। मैं भी नेपाल से हूँ। नेपाल, आपको लग्जमबर्ग कितनी देर हो गई संजू? ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गया। आप किस वीजा पर आए थे? डिपेंडेंट। आपकी वाइफ यहाँ पर है? हाँ, मेरी वाइफ कौन है आपकी? बीवी घर पे है, और मेरी ये मेरी बीवी की बड़ी बहन है। बहन है, साली है, पंजाबी साली कहते हैं। सर आपके यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं आप दोनों के अलावा, और कौन कौन है हॉल पे पूरे रेस्टोरेंट में? टोटल हमारे यहाँ पे 7 लोग काम करते हैं। एक हमारी भाभी जो अभी प्रेगनेंट है, इसके घर पे है अभी। 6 हो गए पे? 7 हो गए। 7, अच्छा। एक बड़ी भाभी नीचे अभी नीचे हेल्प कर रही है किचन पे। ओके ओके। सो पिताजी हो गए, ससुर जी, हाँ ससुर जी जी, एक गगन ब्रदर बड़े भैया है, ब्रदर इन लॉ। हाँ, फिर दूसरे है हमारे गगन भैया। ओके ओके। सो तीन तीन मेन सेफ तीन है, एक हेल्पर है भाभी जी। ओके ओके। दोनों हम हो गए, और एक भाभी जी, तो एक और एक भाभी जी है जो प्रेग्नेंट है अभी घर पे। ओके ठीक है। तो यही तो होगा कि इतने लोग आप यहाँ पर 7 लोग काम करते हैं, फैमिली बिजनेस है, और ये देख सकते हैं पब्लिक को दिखाया कितना क्लीन रेस्टोरेंट है। देखो सबसे ज्यादा लग्जमबर्ग के लोग क्या पसंद करते हैं, क्लीननेस, और इनके टेबल देखो कितने क्लीन है, एक भी जगह आपको धूल का निशान नहीं दिखेगा, और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ इनकी सफाई से। संजू जी, जो सबसे पब्लिक के दिमाग में जो क्वेश्चन है, बच्चे आप जैसे बहुत मिडिल क्लास इंडिया नेपाल से देख रहे हैं, वो किस तरह लग्जमबर्ग आए, जॉब अप्लाई कैसे करें? यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए एक तो हमारा गवर्नमेंट साइट है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप स्टूडेंट वीसा पे भी आ सकते हैं, डिपेंडेंट वीसा हो गया, डिपेंडेंट वीसा हो गया, टूरिस्ट पर आ सकते हैं, टूरिस्ट वीजा पर भी आ सकते हैं। हां, टूरिस्ट वर्क भी आ सकते हैं, टूरिस्ट वीजा में कन्वर्ट हो जाता है अगर जॉब मिल जाए यहां पर आकर। अगर आपको जॉब मिल गया तो आपको उसी सेक्टर में काम मिलेगा जिस पे आप सेक्टर में आपने पढ़ाई किया है। पढ़ाई की है। और यहां पर किस किस सेक्टर की वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम होटल्स, जैसे कंस्ट्रक्शन, आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग,
सैलून की भी काफी, मैंने सैलून में उस भाई साहब को देखा 2700 यूरो, वो कहते हैं मैं पर हर आदमी को देता हूँ जो हमारे नेपाल से ही है। तो आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, सैलून, रेस्टोरेंट की तो है ये, वेटर की और शेफ की, तंदूरी शेफ की, होटल्स की डिमांड है यहाँ पर, होटल्स है होटल पर बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे होटल कुछ ज्यादा ही महंगा है, बहुत महंगा, 175 यूरो मुझसे भी पर नाइट है। तो यहाँ पर होटल इतने महंगे गाइस, एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है टॉप इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया जा रहा है जिसमें एवरेस्ट का नाम भी है, अगर आपको अपना सीवी आप इनके करियर पे भी जाकर भेज सकते हैं सीवी। बट सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पीआर कितने साल बाद मिल जाती है, परमानेंट 5 साल बाद मिलती है? यूके में रहता हूँ, मेरे यूके का पासपोर्ट है, अगर यूके 5 साल आप वर्क वीजा पर रहते आप नागरिकता अप्लाई कर, यहाँ पर क्या रूल है? जी एक तो हो गया, 5 साल में आपको मिल जाएगा वो अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट पास किया, हमने भी ऐसे, मैं अभी डिपेंडेंट विषय पे आऊंगा अपनी बीवी की, अगर मैं अगर मुझे लैंग्वेज आती है तो मुझे एक बरस में पीआर मिल जाएगा, एक साल में, हाँ अगर मुझे लैंग्वेज आती है तो, लैंग्वेज आती है टेस्ट देना पड़ेगा लैंग्वेज का। और ड्राइविंग कैसी है यहाँ पर संजू जी, ड्राइविंग इजी है पास करना टेस्ट? बहुत ही मुश्किल है, जैसे हमारे इंडिया नेपाल में इतना जितना इजी होता है उससे 100 गुना मुश्किल होता है यहाँ पे, और अगर आपने एक बार सीख लिया तो ड्राइविंग 100 गुना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है तो ड्राइविंग साम, बट थ्योरी टू एक्सपेक्टिकल दोनों टेस्ट देने पड़ते हैं यहाँ पर भी, जैसे यूके सेम वही, थ्योरी भी देना है प्रैक्टिकल भी देना है। अब मैं आपसे पूछा, लड़कियां यहाँ पर सेफ हैं, जो फीमेल स्टाफ आपको देख रही है लड़कियां यहाँ पर लड़कियां सेफ हैं? मैं भी इधर रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, फिर नाइट को जाती हूँ 11-12 बजे, उतना डेंजर नहीं है इधर, डेंजर नहीं है। तो लड़कियों की यहाँ पर क्या नेल्स शॉप में होती है, ब्यूटिशियन की यहाँ पर काम है, लेकिन लैंग्वेज इशू हुई, लैंग्वेज के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इधर का फ्रेंच और डच और लग्जमबर्ग आता है, थोड़ा सा जॉब मिल जाती है, नहीं तो आपके साथ एक डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो बाहर काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक लैंग्वेज नहीं है, इधर 3-4 लैंग्वेज है, इसलिए लग्जमबर्ग में थोड़ा मुश्किल है काम करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्वेश्चन, जो लड़कों के लिए सबसे फेवरेट जॉब होती है वो थे डिलीवरी बॉय की जॉब, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्री पर, यहाँ पर मैंने एक भी लड़का डिलीवरी बॉय में नहीं देखा है इंडिया नेपाल का जो डिलीवरी की जॉब करता है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही है ना, मेरे को मेजर भी है चार डिलीवरी बॉय का, जो लड़का में लोग बोलते हैं बड़ी जॉब डिलीवरी बॉय, लग्जमबर्ग जॉब, मैंने एक भी लड़का डिलीवरी बॉय का यहाँ पर नहीं देखा, जो इंडिया से हो, अरब के देखे हैं, मोरक्को से देखे हैं, पर मुझे नहीं कभी लड़का डिलीवरी की जॉब यहाँ पर करता हो, ना ही मैंने कोई कोरियर ड्राइवर देखा है यहाँ पे। हमारे इंडियन दोस्त लोग ज्यादातर बैंकिंग में आईटी में काम करते हैं या रेस्टोरेंट में मैंने बहुत लोग देखे शेफ कुक शेफ ना करते हैं, पर ज्यादातर तो लोग हमारे यहाँ इंडियन दोस्त लोग आईटी और बैंकिंग में करते हैं। सुपरमार्केट में मैंने काफी लोगों को काम करते देखा है, पर वो ही जो जिनके बिजनेस बहुत पुराने हैं, जो अपनी फैमिली को, मैंने सुपरमार्केट गया था 2-4, सब लोग काम करते हैं, पर मैंने होटल्स में भी ज्यादा लोगों को क्लीनिंग की, हाउसकीपिंग की जॉब करते नहीं देखा है, जबकि बाकी यूरोप में होता है, पर यहाँ पर बहुत कम है। एक आधा मैंने देखा है अपने होटल में, एक लड़की थी इंडिया की, पर बहुत वो भी 15-16 घंटे काम करी, स्टूडेंट वीजा पर है, पर मैंने मतलब होटलों में लड़कों लड़कियों काम करते नहीं देखा, बर्गर किंग मैकडॉनल्ड मैंने देखा किसी को काम करते, देखा आपने किसी को? नहीं, एक दो लोग होते, एक दो ज्यादा नहीं होते, ज्यादा ही काम करते क्योंकि लैंग्वेज इशू रहता है, लैंग्वेज इशू ना, आपको इंडियन नेपाल रेस्टोरेंट किसी और जगह काम करना होगा तो आपको लैंग्वेज चाहिए, मिनिमम डिफरेंस लैंग्वेज चाहिए आपको। नहीं मैंने जो चीज देखो मैंने ऑब्जर्व की नहीं देखे, मैंने बहुत कम देखे, एक दो चलो होते हैं पर मैंने वो नहीं देखे यहाँ पर, ना ही मैंने कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड देखे, जैसे लेबर में होते, पेंटर होते, कारपेंटर, मैंने वो भी देखा नहीं यहाँ पर, माल्टा में भरे कंस्ट्रक्शन में भी मैंने बहुत कम इंडियंस को देखा है ना यहाँ पर। चलो ये तो आपने बड़े ऑनेस्ट रिव्यू दिया, आपका रेस्टोरेंट अच्छा लगा, एवरेस्ट आएंगे लोग, इसका लिंक भी दिया जाएगा, जाते बताओ कि जो लोग लग्जमबर्ग आना चाहते हैं पहले मैम उनको आना चाहिए, आना चाहिए उससे पहला लैंग्वेज सीख के और थोड़ा कुछ डिप्लोम हो गया तो इधर आके काम ढूंढने के लिए इजी है, नहीं तो बाहर काम ढूंढने के लिए थोड़ा मुश्किल है इधर लग्जमबर्ग, कोई स्किल चाहिए कारपेंटर की, चाहिए उनकी वेटर की, वो बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी एग्री करता हूँ। सर आपका कहीं जाते जनता, जो जनता आपको देख रही है एज ए रोल मॉडल मान रही है लग्जमबर्ग में, आप इनके क्या लोग को लग्जमबर्ग आना चाहिए? हाँ अगर आपके पास कोई स्किल है तो आना चाहिए, क्योंकि एक बार आप आ गए तो यहाँ पे फैमिली सिक्योर हो जाता है, आपको पढ़ाई फ्री है, हेल्थ फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, अगर आप यहाँ के वीसा में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे जगह पे आपको सरकार मदद करेगी, पर यहाँ आने से पहले एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए। मैं अब आपसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछता सर कितना पैसा बनता है यहाँ पर कोई आदमी जो वेटर की जॉब करता है? मैंने बहुत रेस्टोरेंट्स की इंटरव्यू, सबने कहा कि 2250 यूरो तो मिनिमम वेजेस हैं यहाँ पर जो देने ही पड़ते हैं, और 5 दिन काम 7 दिन, कितना बन जाता है वेटर को टिप्स वगैरह डालकर यहाँ पर अगर कोई वेटर काम करता है? मिनिमम 2500 हो जाता है, 2500 जी। पॉइंट नोट किया है जस्ट साहिबा, 25 मिनिमम, मैक्सिमम 3500 तक चल जाता है, लेकिन 2500 मिनिमम आपको मिलेगा। सेम लड़कियों को भी इतना मिलता है मैडम? सेम है, इधर लड़की लड़का को सेम है, लेकिन इधर थोड़ा रेंट महंगा है, रेंट महंगा बताया कितना महंगा रेंट, हम लोग 2500 तक कमाते, उससे ज्यादा
रेंट में जाता है, उतना पैसा सेफ नहीं होता है इधर। बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, सब लोग बोल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है और बाकी बिल्स भी कम आते, लेकिन रेंट मुझे बताया किसने 400-500 यूरो तो शेयरिंग में पड़ता ही पड़ता है, चाहे शेयर करो चाहे ना करो, तो 1200 तक जब जाए रुपया चलो कुछ है, पर लेकिन सैलरी ज्यादा है, बाकी कंट्री में सैलरी कम है रेंट कम है, बात तो सेम वहीं पर ही आ जाती है। आप नेपाल कब जा रहे घूमने के लिए? कब जा रहे? मैं तो लास्ट ईयर गए के आए, फिर एक साल के बाद जाऊंगी। आप सर कब जा रहे नेपाल? अक्टूबर नवंबर में जाने का सोच रहा हूँ। ओके थैंक यू वेरी मच आप दोनों का टाइम देने के लिए, मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ, और आपका रेस्टोरेंट खाना बहुत अच्छा, आई होप नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ पर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि आपने इंटरव्यू खुद देखा है तो सोच के अगर सीवर बनवाना है आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरी मात्र कॉस्ट 5000 रुपया है, अगर आपको मुझसे बात करनी है 1000 मेरी कॉस्ट है, मैं आपके व्यापार नौकरी अप्लाई कर दूंगा। बट गाइज अगर आप अप्लाई नहीं करोगे जॉब तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बगैर एजेंट के अप्लाई करना तो बनता ही है। बट ऑन द मेन टाइम गाइज अब जहाँ रही सदन खुश रही।